हेलो डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पता करें कि भगवान इस वक्त हमारी परीक्षा ले रहा है क्या, है ना। कैसे पता करें कि ये जो दुख आ रहे हैं वो हमको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, या ईश्वर की लीला है, या क्या है, ये क्यों है, या यूं ही आए हैं, हम क्यों इतना दुखी हैं, हम क्यों इतना परेशान हैं, क्यों इतनी मुसीबतें एक के बाद आ रही हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे कारण जिनसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है या नहीं ले रहा है। और फिर तो अगर आप निश्चिंत हो जाइए, आप परीक्षा दे रहे हैं, जब आपको पता चल गया कि आपके एग्ज़ाम है, तो अपना अपना पेपर जो है ना बहुत अच्छा लिखिए, ताकि आप है ना टॉप करें अपनी लाइफ में ना, ईश्वर की जो परीक्षा है उसमें। सबसे पहला तो मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि ईश्वर अगर आपकी परीक्षा ले रहे होंगे ना, तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारे दुख भेजेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आके आपका दिल दुखाने का काम करेंगे। आप अच्छे खासे बल्ले बैठे होंगे, आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे होंगे, आप किसी से बोलते भी नहीं होंगे, बात भी नहीं कर रहे होंगे, तो भी आगे से आके लोग आपको दुखी करके जाएंगे, आपका काम बनता हुआ बिगाड़ेंगे, दुख पहुँचाएंगे आपकी उनकी अच्छी बुरी कैसी भी बातों से ना, आप में बुराइयां ही ढूंढेंगे। तो ये जो वक्त है ना, वो आपका ईश्वर परीक्षा ले रहे, भगवान भी ना आपको अच्छे से सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए किसी ऐसे इंसान को भेजते हैं कि और चेक करते हैं, देखते देखिए ये जो मेरा भक्त है ना कितना डगमगाता है, कितनी प्रॉब्लम इसकी लाइफ में मैं दूंगा। तो आप ना उस वक्त भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, बोलो प्रभु सब आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी लाइफ में ना बहुत सारी परेशानियां खड़ी होगी, जहाँ कहीं भी आप काम करने जाएंगे ना, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे आपके ना। आपने पूरी तैयारी कर रखी होगी, अब तो आपको लगेगा बस, अब तो बस ये एक साइन किया और मेरा काम फाइनल है, वहीं वो आदमी का मूड चेंज हो जाएगा, या वो ऑफिसर ही नहीं मिलेगा और आपका आपका काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। ईश्वर का परीक्षा लेने का वे है, फिर ईश्वर अचानक से कोई आपका काम कोई होगा ना उसको बना देंगे, आपका कोई काम आपको ऐसे लगेगा आह अब तो मेरा समय सही चल रहा है, तभी फिर अचानक से आपका कोई काम बिगड़ेगा। फिर तो हमेशा आपकी लाइफ में ना अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे, आज कोई काम बनेगा फिर दो काम बिगड़ जाएंगे, फिर कोई काम बनेगा फिर तीन काम बिगड़ जाएंगे, तो ये सिक्वेंस में चलेगा आपकी लाइफ में ना। और पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में भगवान जो है ना अकेलापन देंगे, अकेलापन आपको अकेला किसी ना किसी बहाने से कर देंगे, चाहे आपके दोस्तों से आपका झगड़ा हो जाए, या दोस्त अचानक से लाइफ से गायब हो जाए, फैमिली मेंबर्स आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे, आपसे उखड़े उखड़े से रहेंगे, आपको अकेलापन देंगे भगवान अगर आपकी परीक्षा ले रहे होंगे। क्योंकि वो आपको जो ये परीक्षा जब भी ली जाती है ना, तो उसका मकसद क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो है स्ट्रोंग बनाया जाए, है ना, जीवन में जो कठिनाइयाँ आने वाली है उनको उनके लिए प्रिपेयर किया जाए। तो अगर आपको अकेलापन देंगे, आपको बार बार परेशानियां देंगे, तो आप इतने स्ट्रांग बन जाएंगे ना कि फिर दुनिया में लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप सब यूं ही बिना किसी की हेल्प के अपने आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम नहीं बन रहा, मैं पास नहीं होती एग्जाम्स में, मेरे को मेरे पैसे से मैं गरीब होती जा रही हूँ, मेरा पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, आपको सब लगेगा। लेकिन बीच बीच में आपको छोटी 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 सक्सेस भी देते जाएंगे भगवान ना, ये दिखाने के लिए कि अभी अकेले नहीं हुए हो, मैं यहीं हूँ, मैं ध्यान रख रहा हूँ। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप ना भगवान से शिकायतें करना शुरू हो जाएंगे, या आप अपने पास में कोई इंसान होगा उससे शिकायतें करेंगे, उनसे नहीं करेंगे, खुद से ही बोलते रहेंगे कि भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, मेरे साथ क्यों ऐसे कर रहे हो, भगवान मेरा कभी साथ ही नहीं देते हो, है ना। ये सब शिकायतें आप करने लग जाएंगे, फिर भगवान आपको छोटे मोटे साइंस दिखाएंगे लाइफ में ना, बहुत सारे ऐसे साइन जो आपकी जो विश होगी ना उसके मैनिफेस्टेशन किसी दूसरे का हुआ होगा। सपोज कीजिए कि आप अपने लाइफ में पार्टनर से, आपके पार्टनर से शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके सामने दिखाएंगे कि आपकी फ्रेंड का जो पार्टनर था ना उससे उसकी शादी हो गई है। आप उस वक्त सोचेंगे बैठ के कि यार इसकी तो हो गई, मेरी तो हो ही नहीं रही है, भगवान क्या कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप दुखी हो जाएंगे, है ना। तो साइन दे रहे होते हैं कि देखो ये है रिजल्ट, अगर टिके रहे अपनी परीक्षा में पास हो गए ना तो ये है रिजल्ट। आपको एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको हैप्पीनेस फील होगी, आपको दुख भी होगा, कई बार आप अपने आप खुश भी हो जाएंगे, आपके अंदर अपने आप मोटिवेशन आएगा, आप अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो लेकिन हम बहुत सारी शिकायतें कर करके अपनी लाइफ में ना बहुत सारी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया है, क्योंकि ईश्वर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं आपके सामने, है ना, बहुत सारे। तो आपको 3 दिन लाइफ में ना कोई शिकायत नहीं करनी है, कुछ भी हो रहा हो आपकी लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, बुरा से बुरा हो जाए ना, तो भी आपको शिकायत नहीं करनी है, किसी से जाके कुछ कहना नहीं है, जो भी चीज़ है उसको ईश्वर की मर्जी मान के बस ठीक है इग्नोर कर देना है, ठीक
ठीक है, हर सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, उसको ईश्वर की मर्जी मान के बस उसको एक बार इग्नोर कर देना है। आप देखेंगे कि 3 दिन बाद आपके मन में जो है ना शिकायत करने का मन में ही नहीं आएगा, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो ज्यादा हर्डल्स आ रहे थे ना, जो ज्यादा परेशानी आ रही थी, वो कम होने लग गई है। और आपको सिखाना चाहते थे ना, वो यही था कि आप जो है शिकायतें करना कम करें, क्योंकि दुख जो है, जो परीक्षा चल रही है, परीक्षा में स्ट्रिक्टनेस काफी होती है ना, जैसे टीचर्स इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना ऐसे एग्जामिनर करते हैं, उसी तरीके से ईश्वर आपको सिखा रहा है कि जितनी शिकायतें करोगे उतना मैं शिकायत करने का और मौका दूंगा, जितनी शिकायतें करना बंद करोगे मैं उतना अबंडेंस दूंगा। तो परीक्षा दे रहे होते हैं तो आपके साथ बड़ी सारी घटनाएं होती हैं, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको सब कुछ होता है, लेकिन आपको शिकायत नहीं करनी है ताकि ईश्वर की परीक्षा में आप पास हो पाए, फर्स्ट आ पाए, है ना। तो यही सारे जो है साइंस होते हैं उनसे आप पता कर सकते हैं कि ईश्वर जो है आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और ये समय आपको स्ट्रांग बनने का है, ईश्वर की परीक्षा में पास होने का है, डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है, ईश्वर जरूर आपका साथ देंगे, क्योंकि वो आपको वैसे भी छोटी छोटी चीजों में साइन दे रहे होते हैं उनकी प्रेजेंस का। तो विश्वास कीजिए, ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो आपके पास ही हैं, वहीं खड़े हैं, जैसे एग्जामिनर खड़ा रहता है ना उसी तरीके से। बस ईश्वर पे विश्वास रखना है आपको कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम देने के बाद में जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। तो आप भी अच्छे स्टूडेंट्स बनिए, आप भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ईश्वर के फेवरेट बच्चे आप ऑलरेडी हैं, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईश्वर के आशीर्वाद और आपके अपनों के प्यार के साथ लाइफ के पाथ पर आगे बढ़ते जाइए। राधे राधे, बाय बाय।